मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज है वेडनेसडे, अभी शायद 10 o'clock हो गया मॉर्निंग का। तो कल मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टायर्ड थी। कल मैं कुछ बाहर का भी काम था वो सब कर लिया, तो उतना काम मेरा कल हुआ नहीं था। तो आज मुझे एक रूम सेटअप करना है, सुबह से उसमें मैं लगी हूँ। आप देख सकते हो हाल, मतलब आप अगर थोड़ा कैमरा घुमाओ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे बैग्स मुझे, मैं एक बार ना बाहर गई थी तो अभी मैं सारे बैग चेक कर दी थी कि कोई बैग आने जाने में डैमेज तो नहीं हुआ, कुछ तो सब ठीक है, बहुत अच्छे से लाए थे, कोई इशू नहीं थे। तो इस रूम को ठीक करना है आज मुझे। फिर मुझे वेजिटेबल ख़रीदने जाना है क्योंकि मेरे घर पे वेजिटेबल बिल्कुल नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया। और हम लोगों के यहाँ पे ना टाउनशिप में आपको 2 दिन वेजिटेबल्स जो शॉप है वो बाहर से आते हैं, और जैसे हम लोग हाट बोलते हैं ना, हम लोग बंगाली में हाट होता है कि हफ्ते में 1 दिन हाट लगता है, 2 दिन हाट लगता है, तो ऐसे हाट मतलब नॉट हाट हाँ वैसे ही आते हैं। तो वो है शनिवार और मंगलवार। तो आज है ट्यूसडे, तो आज वो आएंगे वेजिटेबल्स। तो बहुत सारे शॉप आता है, फ्रूट्स का आता है, वेजिटेबल्स का आता है, तो हम लोग वहाँ से खरीदते हैं। और अदर्स डे तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स है, मतलब मार्केट है, वहाँ पे 2-3 वेजिटेबल शॉप है, लेकिन वो उतना फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं रहता है वहाँ पे। ऐसे ऑनियन, कल आपको ऑनियन चाहिए, आलू चाहिए, तो आप जाके ला सकते हो, हाँ तो रहता है। लेकिन आज के दिन ये 2 दिन बहुत सारे वैरायटी हम लोगों को मिलता है और दूसरे दिन उतना वैरायटी नहीं मिलता, तो इसलिए सब्जी खरीदने जाना है, खाना बनाना है, केक का ऑर्डर है, केक भी मुझे बनाना है, और यही काम है आज मेरा। हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे कैसे सब्जी वाला शॉप आया है। तो ये जो पूरा फील्ड है ना, यहाँ पर ही सब्जी मंडी बैठता है। पहले कोरोना से पहले कॉम्प्लेक्स में बैठता था, मतलब मार्केट में, पर अभी इधर बैठता है। अहन 6 पीस गार्लिक काउंट तो करो, तुम तो काउंट नहीं करो, तुम अपने मन से उठा रहे हो, बस बस अम्मा 6 पीस दो, हाँ 5 पीस ओके, 1 2 अच्छा देख के 3 बड़ा बड़ा 4 5 बस इनफ 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 अहन अम्मा देखो कितना बड़ा पाव कर दो, पाव 20 रुपये में ना, हाँ हो गया अहन, इनको रख क्या था, रख क्यों, वेरी गुड चलो। और वहाँ पे अहन को देखिए, 2 हाथ में 2 लौकी लेके जा रहा है, मुझे बहुत हेल्प करता है जब भी मैं मार्केट आती हूँ। हाँ अच्छा, तो आए थे अभी, आए हैं कॉम्प्लेक्स क्योंकि मुझे बेकरी का सामान चाहिए, लेकिन अगर मिलता है तो अच्छा है। ओ ऑरेंज स्टिक आता है ना, वो है मैंगो स्टिक, ऑरेंज स्टिक, हाँ 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 ये, लेकिन ये वो हो गया, कितना पैसे क्यों हो गया, अच्छा वाला देख लो, मुझे वो स्टिक ये अच्छा होगा क्या, ये अच्छा, हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद है, ओ अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें कप दे रही हूँ ओके, छोटा हाँ हाँ वो है, तो भैया बोला था नहीं है, और है और नहीं, एक ही है, ठीक है एक से अभी काम चला जाएगा।
तो मुझे हेल्प तो ये बैग पकड़ो, कुछ तो हेल्प करो मम्मा को। ओके ध्यान से आइसक्रीम नहीं खोलना। ओके जी, मेरे बेटे को आया है सुसु, जो भागा है वॉशरूम की तरफ। हो गया सुसु, हो गया चलो। मैंने आइसक्रीम का बैग हटा दिया और आहन ढूंढ रहा है बैग। तुम यहाँ पे छोड़ के चले गए थे आइसक्रीम का बैग? हाँ। तो मंकी ले लिया होगा, अब क्या करोगे? मंकी ले लिया आइसक्रीम? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कौन सा बैग? मार्केट का बैग। मार्केट का बैग तो मैं वहाँ पे रखी हूँ। हाँ। वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आइसक्रीम का बैग तो तुमको दिया था ना मैंने। तुम फिर मास्क खोल दिया, इसीलिए मंकी आके लेके गया। पता है कि आहन मास्क नहीं पहन रहा है तो उसका आइसक्रीम ले लो। अच्छा, कहा ओ मंकी यहाँ पे रखा? नहीं तो मैं हाँ? रख गया था। कौन रख के दिखता? मैं सब पता तो रख के चला गया। मैं चली गई, तू भी मेरे जैसा हिंदी बोलने लगा है। गया गई सब एक कर रहा है तू। मुझे पता है तो यहाँ पे रख के गया। तुमको सब पता है, वो मंकी रख के गई, ये गया तो मैं रख गया। चलो घर चलो। मंकी आप नहीं है ना? मंकी आप नहीं है ना? मंकी है ना, तुमको पता है मंकी बहुत है, बहुत यहाँ पे पेड़ पे नहीं ना। दिखाई भी नहीं ना। हाँ तो मंकी कहाँ से आएगा? ठीक है अब चले। मतलब मुझे कोई भी आइसक्रीम दो पर स्टिक आइसक्रीम मुझे इतना अच्छा लगता है ना, घर आके पहले हाथ धोई, पाद धोई, मुंह धोई, होने के बाद ही आइसक्रीम। मतलब मैं अपने बेटे से भी ज़्यादा हूँ। बेटा आइसक्रीम भूल गया, वो नीचे खेल रहा है, पर मम्मी नहीं भूली। मम्मी आके पहले हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आइसक्रीम ले लिया हाथ में। ये था ये वाला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्लैक करेंट फ्लेवर आइसक्रीम, दिस वन। आइसक्रीम खा खा के मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा एग्जीबिशन था उसमें दो लोग अगर नहीं होते तो मेरे लिए एग्जीबिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता। एक है मौसमी और एक है रेशमी। मतलब इन दोनों ने मुझे इतना हेल्प किया है कि मैं बोल नहीं सकती। अगर ये लोग नहीं होते तो एग्जीबिशन करना सही में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मैं कर भी पाती कि नहीं आई डोंट नो। क्योंकि रेशमी मेरा बेटा उसके पास ही था दिन भर, फिर मौसमी जो सुबह से लेके रात तक, मतलब सुबह जब से शॉप ओपन हुआ है तब से लेके रात तो क्लोजिंग तक मेरे साथ थे। इवन कि सैटरडे से हम लोग का एग्जीबिशन था, फ्राइडे रात को शाम को वो मेरे पास आई, रात को 10 o'clock तक वो रुक के मेरे साथ पैकिंग किया। मतलब उसका भी छोटी बच्ची है, उसके बाद भी उसने इतना कुछ किया। मतलब सही में जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हम, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरह का दोस्त मिला है। फिर मेरा और एक दोस्त है मिलन, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। मेरे आहन को उसने भी हॉस्टल में लेकर रखा। तो अच्छा लगता है, पता है जब आपका फ्रेंड ऐसा आपको हेल्प करते हैं ना, बहुत फील अच्छा फील होता है। और इवन कि रेशमी का दो बच्चे ऑलरेडी घर में है, क्योंकि तो उसका दो बेटा है। जो छोटा बेटा है आहन का एज का है, आहन के साथ पढ़ता है। उसके बावजूद भी वो उसने और एक बच्चा लिया और दोपहर को 2-3 इतना बजे तक, सुबह से लेकर इतने बजे तक रखा। तो मैं ये बात लगा मुझे ये बात बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो मैं एग्जीबिशन ब्लॉग डाली थी ना उसमें मैं कहीं भी मेंशन नहीं किया। फिर बाद में जो मैं वो ब्लॉग देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज जो चीज दोनों के वजह से मेरा एग्जीबिशन हो पाया, मैं तो उन दोनों का नाम ही नहीं लिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं हो। तो मैं लगा आज का ब्लॉग में मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो लव यू, थैंक यू नहीं बोलूँगी, लव यू। अभी मैं बना रही हूँ रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक में
कोको पाउडर के साथ अगर आप रेड कलर यूज़ करेंगे तो रेड वेलवेट केक का स्पंज एकदम रेड आएगा। कलर एकदम परफेक्ट है कलर। ये है 1 kg केक का मोल्ड। इसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। ग्रीस करने के लिए तो ये रेडी है। डालेंगे तो 5 minutes हो गया। बहुत गर्म भी हो गया। आज बनाऊंगी लौकी का सब्जी। लौकी अगर पतला पतला ना हो ना तो खाने में अच्छा नहीं लगता। इतना पतला अगर लौकी ना हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एकदम पतला पतला हो तो लौकी का बहुत अच्छा बनता है और जल्दी भी बन जाता है। मौसमी बाय, मिनी बाय बाय, बाय। एक कल के आज भी हम खाना मी। मौसमी और मिनी आई थी, अभी जा रही है। तो अभी हम लोगों का चल रहा है फुचका पार्टी, मीन्स पानी पूरी पार्टी। मुझे पता है ऐसे प्लास्टिक के पैकेट में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं सुबह से इतना खाने का मन कर रहा था कि मैं टूट पड़ी इसके ऊपर। तो चलिए अभी मैं खाते हैं पानी पूरी। तो मौसमी आई थी, अभी अभी मिनी के साथ गई है।